Hey guys, welcome back to my channel Tipsy Bong Travelers. मैं श्रेया, आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ. And caption से पता चल गया है already कि ये आज का video होगा एक food vlog. जी हाँ, मैं आपको लेके चलूंगी कुछ हट के खिलाने के लिए. आज मैं लेके चलूंगी Santa's Fantasy. क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे already कि कुछ अलग दिखाइए. तो आज मैं आपको दिखाऊंगी ट्राइबल कुजीन जो थोड़ी सी अलग है. जनरली आपको सब जगह पे नहीं मिलेगी. एंड सैंटास फैंटेसी इसके इस बारे में ओजीज है. तो चलिए इस एक्सपीरियंस को देखते हैं और बताइएगा वीडियो के आखिर में आपको कैसा लगा. सैंटास फैंटेसी के कई सारे आउटलेट्स हैं, पर आज मैं आई हूँ सॉल्ट लेक सेक्टर 1 के बीएफ ब्लॉक में, मोस्टली नोन एज सॉल्ट लेक स्विमिंग पूल एरिया. चलिए अंदर चल के देखते हैं. Santa's Fantasy is a foodie's paradise as it offers tribal delicacies to yummy seafood. From squid to mussels to fish, crabs, इस जगह में आपको सारी seafood variety मिलेगी. It's a quirky tribal and underwater vibe kind of decor adds as much to the experience as it does the delicious food they offer here. One of the best seafood restaurant in Kolkata. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ food and beverages में क्या है. बेवरेजेस मेन्यू शॉर्ट एंड सिंपल है, बट असली इंटरेस्टिंग मेन्यू है उनका फूड मेन्यू, जहां आपको अलग अलग सी फूड ट्राइबल फूड ऑप्शन मिलेंगे. काइंडली पॉज करके सभी चीजों के नाम और प्राइसेस देख लें. कुछ इंटरनेशनल फूड ऑप्शंस भी है, चाइनीज, इंडोनेशियन, मलेशियन, लाइक इंडोनेशियन करी, सूप्स, डिमसम, नासी गोरेंग, कोरियन राइस, मलेशियन राइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट ट्राइबल कुजीन वाली पोर्शन मुझे ऑलवेज यूनिक लगती है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे आइटम्स इनके अलावा कोई और यहाँ पे ऑफर ही नहीं करता है. सो एनफ ऑफ टॉकिंग, लेट्स ऑर्डर सम फूड. फर्स्ट हमने ऑर्डर किया है एक सी फूड डिश, स्पाइसी ग्रिल टूना. चटपटा मसालेदार टूना की ये डिश मुझे काफी पसंद आई. आप इसे कोई भी ब्रेड के साथ आराम से खा सकते हैं. नेक्स्ट मैंने एक नागालैंड की डिश ऑर्डर किया है. ये काफी इंटरेस्टिंग डिश लगी मुझे उनके ट्राइबल फूड के ऑप्शन में से. हम बंगाली जैसे पातुरी बनाते हैं, वैसे ही टोटली अलग मसाले और फ्लेवर्स को फिश में मैरिनेट किया जाता है और बनाना लीव्स में रैप करके बनाई जाती है ये डिश. टोटली डिफरेंट फ्लेवर्स है फ्रॉम पातुरी, अलग ही स्मोकी और टैंगी टेस्ट में है. आई हाईली रिकमेंड ट्राइंग दिस डिश. I'll rate this dish 8 out of 10. और एक चीज मुझे Santa's Fantasy में बहुत ही पसंद है, वो है उनके शोरू चाकली. It's a crepe kind of thing treated as roti in Santa's Fantasy made with rice flours. But for Bengali like us, it's always an emotion as we used to have it typically in Makar Sankranti. Now it's a part of their menu. और मैं हमेशा यहाँ आके इसे जरूर ऑर्डर करती हूँ. Always going to rate this 10 out of 10. बहुत ही अच्छी होती है. शोरू चाकली को पेयर अप करने के लिए मैंने इनके बेस्ट सेलर ऑर्डर किया है. That is their bashpora mutton. ये उड़ीसा की बहुत ही फेमस डिश है. Marinated mutton stuffed in bamboo and cooked in tandoor. It's a pure perfection anyone can ask for. Boneless mutton with smoky flavor tastes heavenly. But उड़ीसा के साथ compare नहीं करूँगी. That's their speciality dish. And they make it the best over there. But Santa's Fantasy tries to bring that flavor into our plate, which is recommendable. Pair it with shoru chakli and you are sorted, my friend. So it was my experience in Santa's Fantasy, अलग अलग जगह के flavors in one roof, और ऐसे चीजें कोलकाता में कहीं और नहीं मिलेगी. I hope आपको Santa's Fantasy की experience अच्छी लगी होगी. जरूर जाइए and families के साथ जाइए. बहुत अच्छी खाना वहाँ पे आपको offer की जाती है. Sea food बहुत ही अच्छी है and variety is too much. तो अगर आपको इस वीडियो से अलग कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. अगर अच्छा लगा है तो जरूर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. टिल देन, बाय, टेक केयर.